नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि डीजीटी ने स्टूडेंट के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिसमें नाम है और मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। वो अपने साइट पे, डीजीटी ने अपने साइट पे ये हेल्प लाइन नंबर जो है तो दिया हुआ है। dgt.gov.in पे जाइए, वहाँ पे एक स्क्रॉल चल रहा होगा, वहाँ पे आप देखिए तो वहाँ जो है तो आपको 5 लोगों का नाम मिलेगा, जिसमें 2 जो है तो कंसल्टेंट है और 3 जो है तो काउंसलर हैं। डीजीटी ने ये किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। चूंकि आप आवाज़ उठाते हो तो आपकी आवाज़ को डीजीटी सुनता है, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। देखिए, आवाज उठाना पड़ता है, अगर आप आवाज नहीं उठाते हो तो नहीं होता है। मैं 2 महीने से लगा हूं कि हेल्पलाइन नंबर एक अलग से होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था कि एनसीबीटी पोर्टल पे जो नंबर है उनको कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, कोई देखता नहीं था, ग्रीवेंस में कोई नहीं देख रहा था, हेल्प डेस्क में नंबर जा रहा था तो कोई नहीं देख रहा था। बार बार मैं सत्यशंकर जी को यह याद दिलवा रहा था कि लड़के बहुत परेशान है। कल भी रिजल्ट जो आए तो आधे अधूरे रिजल्ट आए, करीबन 100-150 रिजल्ट आए। किसी का फर्स्ट ईयर का अपडेट हुआ तो किसी का सेकंड ईयर का अपडेट हुआ, बहुत ऊंपोह मची रही लड़कों में। लेकिन जब आज जाते जाते, कम से कम आज जाते जाते उन्होंने एक हफ्ता पहले ही एक कार्रवाई कर दिया था कि हेल्प डेस्क नंबर जो है तो डीजीटी के साइट में डलवा दिया था, लेकिन वो सही रूप से काम आज करने लगा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग, मैं स्क्रीन में भी दे देता हूं, और आप स्टूडेंट और आईटीआई वाले, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि देखिए, जो मोबाइल नंबर है उसमें मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, तो आपको ईमेल एड्रेस पे जाना है और वहां पे आपको मेल करना है। अगर आप मेल करते हो तो वो सबूत के तौर पे रहता है, तो इसलिए मेल करते समय ये सावधानी बरतें कि आप जो है तो ऐसा कोई फाइल या ऐसी कोई चीजें ना दे कि वहां जाकर के खुले नहीं। तो इसलिए जब मेल करें तो उसमें सबसे पहले लिखें सेवा में डीजीटी एग्जाम कंट्रोलर, इसके बाद सब्जेक्ट में लिखें कि एग्जाम संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम है, फिर आप अपना नाम लिखें, आईटीआई का नाम लिखें, उसमें रोल नंबर लिखें, कौन से ट्रेड में पढ़ते थे, किस संघ के हैं और क्या है आपकी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज लिखिए। एग्जाम भर के लिए नहीं, जैसे आपका एनटीसी नहीं निकल रहा है, फोटो नहीं है, साइन नहीं है, या जो बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं, वो सारे एग्जाम के संबंधित जितने भर आपकी समस्याएं हैं वो समझ लीजिए, सुन लीजिए, वो सारी चीजें ये 5 को मेल करिए। मोबाइल करेंगे तो ये मोबाइल नहीं उठाएंगे, तो आप कहोगे कि सर नंबर नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप मोबाइल करोगे उनको याद नहीं रहता, वो लिखेंगे नहीं। और व्हाट्सएप करोगे तो देखो क्या होता है कि रात को व्हाट्सएप किए, वो देखे कि नहीं देखे, वो आधिकारिक तौर पे जो है तो सबूत पे नहीं रहता। सबूत पे क्या रहता है, ईमेल। तो ईमेल आप करोगे, रोज कर रोज उनको ईमेल देखना है, 5 बजे उसको रिपोर्ट करना है कि ये संबंधित अधिकारी को कि आज इतने मेल आए हैं और ये मेल हमने एग्जाम वाली एजेंसी से वेरीफाई करवाया है, फिर इसके बाद वो विप्रो को देंगे। तो इतना जल्दी थोड़ा सा हाय तौबा मत मचाइएगा, टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूं टाइम लगेगा। अभी कल भी रिजल्ट अपडेट होगा, मंडे को भी अपडेट होगा, मंडे को नए अफसर आ रहे हैं उनको मैं फिर से ये चीजें बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका हेल्प डेस्क नंबर डीजीटी ने दिया है वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हो, या तो फिर dgt.gov.in पे जाइए, खोलिए तो एक स्क्रॉल चल रहा होगा, वहां पहले न्यू लिखा हुआ है और डीजीटी हेल्पलाइन नंबर वहां एग्जाम संबंधित जो है तो दे रहा है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी और उसमें 5 का नंबर है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो वीडियो में भी आ जाए तो मैं आपको उससे आप देख पाओगे, लेकिन वीडियो में इतना नहीं देख पाओगे, तो आप मेरे से मांग भी सकते हो। तो आपको फोन नहीं करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको ईमेल ही करना है। और आईटीआई वाले भी जो हो तो आप लोग भी अपने स्टूडेंट की लिस्ट बना करके किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं इनको आप ये ना मान लीजिएगा कि एक्सपीरियंस वाले हैं, इनका काम ये है कि ये 2 कंसल्टेंट हैं और 3 जो काउंसलर है, ये आपके ईमेल एड्रेस को लेकर के संबंधित अधिकारी को रोज रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा था कि हेल्प डेस्क पे जो आप लोग मेल कर रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो देख ही नहीं रहे थे डीजीटी के अधिकारी और डीजीटी के जो उसमें ड्यूटी लगी हुई थी, इसलिए थर्ड पार्टी किया गया है। इसमें 2 कंसल्टेंट हैं, 3 काउंसलर हैं, उनको दिया गया है, सिर्फ यही काम दिया गया है कि आप मोबाइल अगर वो उठाते हैं तो आपसे प्रॉब्लम सुनेंगे, फिर आपको मेल करने के लिए कहेंगे तो आप मेल करिए। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि आप फोन करने में इतना टाइम मत लगाइएगा, दिमाग मत
अपना लगाइएगा और न खर्चा करिएगा। कितना फ़ोन करेंगे वो, कितना फ़ोन उठाएंगे वो, तो नहीं उठाएंगे। व्हाट्सअप भी आप करोगे तो वो नहीं, हालांकि मैंने आज टेस्टिंग किया तो एक ने उठा लिया, बाकी चार ने तो नहीं उठाया। तो फिर मैंने शिकायत की तो उन्होंने बोला कि सर ये तो मेल एड्रेस करवाइए, सबसे बेहतर ये है कि आप मेल करवाइए, ज़्यादा बेहतर है। तो उनका जो है तो स्क्रीन पर भी मैं दे रहा हूँ और ITI वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी जो जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी का सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, मार्कशीट नहीं निकल रहा है, किसी की फ़ोटो नहीं निकल रही है, किसी का ग्रीवेंस में प्रॉब्लम है, किसी के एग्जाम में प्रॉब्लम है, किसी के ED में प्रॉब्लम है, जिसमें भी प्रॉब्लम हो, CBT में प्रॉब्लम हो, तो विस्तार से लिख करके समझाइए और दीजिए, PDF बना करके फाइल दीजिए ताकि वो रहे और सबूत के तौर पे आप अपने पास मेल रखे रहिएगा। क्योंकि मैं जो नए अधिकारी सोमवार को आ रहे हैं उनको ये सारी चीजें मैं फिर से बोलूंगा। तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि ये वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आप लोग मेल करिए, अपने ITI को बोलिए कि वो मेल करें। और गवर्नमेंट के भी ITI जो नोडल सेंटर वाले सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं कि एक बार जो ED और प्रैक्टिकल के नंबर नहीं गए हैं आप लोग डायरेक्टली इनको मेल करिए। यहां सुनवाई होगी, यहां पर डे सुनवाई होगी, टाइम लगेगा। मैं स्टूडेंटों को ये मैं बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दीबाजी आप लोग मचा देते हो, आज ही आप डेटा देते हो और सोचते हो कि कल ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा कि आपने एग्जाम दिया भी है कि नहीं दिया गया है, आंसर शीट मंगवाते हैं, डेटा मंगवाते हैं, वेरीफाई होता है, इसके बाद फिर रिजल्ट निकलता है और फिर अपलोडिंग में जाता है, फिर अपलोडिंग के बाद आपके पास आता है। तो आप लोग ये बना लेते हो, बहुत जल्दी आप लोग बना लेते हो कि सर आप ये ग्रेडिंग वाला मुद्दा उठा दिए, स्टूडेंट का मुद्दा नहीं उठा रहे हो। अरे भाई मैं सबका मुद्दा उठा रहा हूं, ग्रेडिंग वाला भी बहुत जरूरी है। वो ग्रेडिंग नहीं होगी तो ITI ही नहीं रहेगी, तो करोगे क्या, कहां से करोगे फिर। तो इसलिए सारे मुद्दे हैं, आप लोग अपने ITI वालों को भी बोलिए कि सर वो मेल करिए। हालांकि मैं उनको व्हाट्सएप भी कर रहा हूं और आप लोगों को भी कह रहा हूं कि आप लोग इसको मेल करिए अपने तौर पे, लेकिन अच्छे से मेल करिए। आप लोग क्या है कि मोबाइल में उठा करके मेल कर देते हो, पता नहीं क्या लिख देते हो, सही चीजें लिखो। एक बार फिर मैं समझा रहा हूं कि सबसे पहले अपना नाम, ITI का नाम, रोल नंबर, किस सन में ITI किए हैं, क्या है आपकी प्रॉब्लम है, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो और बकायदे उसको मेल कर दिए। पांच मेल हैं, पांच मेल में जो एक ऊपर दिया, दो कंसल्टेंट लिखे हैं उनमें आप ज्यादा करोगे, एक नीचे हैं प्रिया मैडम हैं और एक हिमांशु हैं, पटेल जी हैं, तो इनको आप करोगे, पांचों में किसी में करो, सुनवाई हर जगह पे होगी, ठीक है। तो आप लोगों को मेल करना है और चाहो तो अपने ITI जा करके ITI वालों के साथ में बैठ करके मेल करवाइए और हो सके तो आप खुद मेल करिए। लेकिन मोबाइल से आप लोग मेल करते हो, आधा अधूरा मेल करते हो, मेल जाता नहीं है, फिर आप लोग कहोगे कि हम मेल कर लिए हैं और ये बहुत दिन तक हेल्प डेस्क नंबर नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। आप लोगों के कारण इतना मैं टेंशन में आ जाता हूं और आप लोग टेंशन में डाल देते हो, रात भर फोन करते हो, सुबह फोन करते हो। मैं बोल रहा हूं आपको कि आप अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपको आवाज उठाना पड़ता है। और मैं बोल रहा था थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, 28 तारीख का जो मैसेज मेरा DGT का है ना, मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको कि कितना हमारा उनका विवाद हुआ है और क्या कारण था। और उन्होंने रिजल्ट 4 बजे भी अपडेट किया है, सुबह भी अपडेट किया, बहुत सारे लोगों का आया भी है, बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया और मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोगों का 0-0 जिनका है उनको दोबारा आ गया, तो फिर से उनको रिवाइज कर करके फिर से रिजल्ट निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को जो डेटा पहुंचा है वो डेटा से कोई मतलब नहीं है, आप लोग मेल करिए, मैं भी भेज रहा हूं उनको, लेकिन वो आपने व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से क्या होता है, कितने व्हाट्सएप आ जाते हैं, आदमी कई बीच में छूट जाते हैं, हमसे ही छूट जाते हैं, मैं क्या करूं यार। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मेल एक प्रॉपर है और ये पांचों पे किसी पे भी आप लोग मेल कर सकते हैं। तो आज वीडियो जारी हो रहा है, कल ये मत समझिएगा कि शनिवार इतवार, हालांकि उसमें लिखा है कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक या शनिवार तक आप कर सकते हैं उसमें, तो और 10 बजे से 5 बजे तक उसमें लिखा भी हुआ है कि आप बात कर सकते हो ऑफिस टाइम पे, इसके बाद वो फोन नहीं उठाते हैं, तो आपको फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फोन बिल्कुल ना करिए। आपके पास एक हथियार है, वो है ईमेल का, ईमेल करिए, वो आपके पास भी सबूत के तौर पे रहता है। क्योंकि DGT, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि DGT हमसे सबूत मांगती है,
कि सर मैं इतना रिजल्ट निकाल दे। मैं आपको लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अच्छा कमेंट करिए यार, अच्छा कमेंट करिए। जिसको देखना है तो देखो, जिसको नहीं देखना है यार तो मत देखो यार, लेकिन कमेंट अच्छा करिए। आप लोगों को मैंने बोला कि आप लिखिए वहां पे पूरा चीजें। मैं वही चीज डीजीटी के अफसर को दिखाता हूं कि सर देखिए लड़के कितने परेशान हैं। आज एक लड़के ने, राजस्थान वाले लड़के ने मेरे को मैसेज किया था, मैं स्क्रीनशॉट दिखाया तो वहां के डीजी के अधिकारी सन्न रह गए और तुरंत कार्रवाई के लिए बोले हैं। तो हमने बोला कि सर, मैं, उन्होंने मेरे को बोला, मैं उसको बोल रहा हूं अगर वो सुन रहा है लड़का तो देखो मेल करो, मेरे भाई तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था, मैं समझ रहा हूं किसी की जॉब जा रही है, वो जा रही है, लेकिन देखिए आप अगर मेल करते हो और मेल करवाते हो वो आधिकारिक तौर पे रहता है, हम लोग थर्ड पार्टी हो जाते हैं। हम भले एक न्यूज चैनल है लेकिन हम सिर्फ आवाज, हम सबूत दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। करना आपको ही पड़ेगा, आपके आईटीआई वाले को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो आप मेल करिए, उसकी कॉपी एक अपने पास रखिए। आप कहेंगे कॉपी कैसे होता, तो सीसी करवा, बीसी करवाइए, सीसी करवाइए आप लोग, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये चाहिए कि सर मैंने मेल कर दिया हूं और अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरा vires@gmail.com है। हालांकि मेरे को करने कोई जरूरत नहीं, दिखाने की नहीं जरूरत है, आप लोग सिर्फ डीजीटी को करिए और डीजीटी के 5 जो लोगों का दिया गया है नंबर उसी पे आप लोग मेल करिए, जाइए तुरंत जाइए मेल करिए। और हाँ एक बार ये देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी चला देता हूं कि dgt.gov.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप खोलोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी और इस स्क्रीन को आप इधर जो नीचे ये लिखा हुआ है चल रहा होगा, एक लाइन चल रही होगी जिसमें रेड कलर का ये है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पांचों लोगों का नाम आ जाएगा। इन पे आप मेल करिए और मेल करवाइए और डीजीटी के अलावा जो है एनसीबीटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बोल रहा हूं कि आप लोग अपने में भी एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल में भी तो ले आइए और आईटीआई वालों को भी ये दे दीजिए। चलिए ठीक है, आज अब टेस्टिंग चल रही है आप लोगों की, अभी 6 दिन से टेस्टिंग है चल रही है, तो उसको आप लोग जो है तो पब्लिक ही कर दीजिए, हर आईटीआई वाले को भेज दीजिए। नहीं भेज रहे हो चलो ठीक है यार, लेकिन कम से कम एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर डाल देते तो लड़कों के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता। चलिए लेकिन आईटीआई वालों से अनुरोध है, गवर्नमेंट के आईटीआई से, नोडल के सेंटर से, जेडी से, स्टेट गवर्नमेंट के जितने अधिकारी हैं सबको मैं बोल रहा हूं कि एक बार सर आप लोग हाथ जोड़ करके स्टूडेंट को तरफ से कह रहा हूं कि आप लोग इनको मेल करिए और 2018 के जो स्टूडेंट छूटे हुए हैं उनके बारे में भी आप लोग भेज दीजिए, जिनकी फीस के बारे में, जिनकी बहुत सारे लोगों ने मेरे को मध्य प्रदेश ग्वालियर से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर मैं फीस जमा कर दिया हूं मैं निमी पोर्टल पे लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है उनका, तो मैं बोल रहा हूं कि वो भी वहां पे डालें। क्या है कि डीजीटी ने अब एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो एक तीसरे आदमी को लिया करके रख दिए हैं कि अभी मेल आए रोज इसको चेक करना है और चेक करके दिखाना है कि किनका हो गया किनका नहीं हो गया है। ठीक ये वैसे हुआ है जैसे आपके यहां सीएम हेल्पलाइन है, वैसे ही है। और बहुत जल्दी मैं डीजीटी से टोल फ्री नंबर भी जारी करवा लूंगा अगले सेशन में। तो मैं बोल रहा हूं कि आप बेहिचक बेधड़क आवाज उठाइए, मेरे साथ उठाइए और आईटीआई वाले आप भी मत डरिए, आप आइए आप भी अपनी आवाज उठाइए और साथ में मिलकर आवाज उठाएंगे तो हो जाएगा। और मेल करने के बाद एक हफ्ते, कम से कम एक हफ्ते 10 दिन तक वेट करिएगा। तो आप लोग कल से मेल चालू कर दीजिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। और भाई क्या है कि मैं आप लोगों के अलावा आईटीआई की भी बहुत सारी समस्या रहती है तो उनकी भी आवाज उठाने रहता, ग्रेडिंग है, अभी अपलेशन है, फिर एडमिशन है, बहुत सारे अभी स्टूडेंटों का जो नए स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका भी सवाल जवाब है, तो उनका भी सवाल जवाब मेरे को करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा धीरज धरिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों की आवाज तो मैं रोज ही उठा रहा हूं ना। तो आप लोगों को जिनका नहीं होता तो कमेंट करिए, कमेंट करते समय आप ध्यान रखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, आप अपना नाम, अपना जो है तो रोल नंबर, आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वही मैं सबूत के तौर पे डीजीटी हमारी, मेरे ऊपर ब्रक दृष्टि की हुई है इस समय पे, डीजीटी सिर्फ मेरे को ही देखती है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ये और क्या बोल रहा है ये। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मायने रखता है, बहुत मायने रखता है जब आप बोलते हो, जब आपकी बातें मैं रखता हूं तब वो सबूत के तौर पे होता है, मेरे बोलने भर से कुछ नहीं होता है। मेरे भाई आप लोग जो बोलते हो मैं वही चीज उनके ऊपर, जो आप व्हाट्सएप करते हो ना आपको लगता है मैं स्क्रीनशॉट सहित भेजता हूं
कि सर ये आपको अगर लगता है तो ये मोबाइल नंबर पे आप देख लीजिए कि लड़का कितना परेशान है, खुद वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये 5 हेल्प डेस्क नंबर हैं, इन पे मेल करिए आप लोग। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, आसपास भी सफाई रखिए, कोरोना की महामारी की बीमारी में वैक्सीन लगाइए, मास्क लगाइए, ठंड है थोड़ा सा, किसी गरीब को कपड़े ध्यान दीजिए, पौधे लगाइए, पानी की बचत करिए, और आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए, जैसे आपको लगे। मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको कमेंट करना पड़ेगा, वही मेरी ताकत है और वही सबूत है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।